वेलकम बैक। लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं जन्नत की सैर। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाए वो जगह जन्नत से कोई कम नहीं। तो आओ चल एक्सप्लोर करते हैं कसूर पठार। What's up guys? आज हम काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं कसूर पठार, जहाँ पे हैं बहुत सारे वाटरफॉल्स। कान्हे फाटा से हमने लिया है राइट टर्न और हमें दिख गई है जन्नत की पहली झलक। Look at that guys! यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत है, लेकिन हमारे बच्चों को इनसे कोई मतलब ही नहीं। वो अपनी अलग दुनिया में व्यस्त है। पीछे बच्चों की खूब मस्ती चल रही है और हम ये नज़ारे एंजॉय करते हुए ड्राइव किए जा रहे हैं। ये लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है और अब बच्चे भी उसे एंजॉय कर रहे हैं। इन नजारों का लुत्फ उठाते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहली मंजिल लालवाड़ी मिनी वाटरफॉल। यहाँ छोटे बांध से बहता हुआ पानी अलग ही दुनिया में ले जाता है।
इस वाटरफॉल में खूब भीगने के बाद इस जगह को कर दिया हमने बाय बाय और चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमने सोचा आगे जाके किसी बड़े वाटरफॉल में और भीगेंगे, लेकिन सारे वाटरफॉल्स पे थी बहुत सारी भीड़, तो हम निकल पड़े अपने लिए एक प्राइवेट सा स्पॉट ढूंढने। वाटरफॉल तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिली ये बहुत सुंदर सी लेक। तो हमने सोचा कुछ देर इसी जगह का आनंद लिया जाए। Look at the views, guys. ये जगह इतनी सुकून भरी थी कि हमको लग रहा था कि यही बस जाए। उसी में मजा है। Lovely place, natural. दोनों गाड़ियां कवर हो रही है। पूर्वा से हाय। हाय। Beautiful. तो बच्चे पानी में खेलने में बिजी हैं और हमने सोचा तब तक यहाँ पे टार्प लगा दिया जाए ताकि हम अपना खाना यहाँ पे बना सकें। We are all set. यहाँ पे हमारा टार्प लग गया है और हम खाना बनाने के लिए रेडी हैं। सब लोग पानी में भीग के ठंडा गए हैं, तो हमने सोचा पहले थोड़ी चाय बना दी जाए। अभी तो दूध मजा ले रहे हैं चाय के साथ। चाय बनाएंगे चाय। क्या जा है? ये कवर ये उसी वही पे मिला है। तुम क्या कर रहे हो? बर्तन बर्तन टेंट के पानी से बर्तन। चाय के कप धोने जा रहे हैं भाई। तो
भाई आप क्या बन रहे? पुलाव। अच्छा अभी सब तड़का गया है बस। अभी तो बस तेल ही गया है उसके अंदर। और किसी के कप कुछ कुछ धुल रहे हैं। वेजिटेबल्स कटिंग चल रहे हैं। और पानी अभी है। हाँ तो ये बन गया है बढ़िया सा पुलाव और हम लोग करेंगे मस्त पेट पूजा। आप भी आ जाओ खाना खाने। ये लोग प्लेट प्लेट रखो वहाँ पे। जैसे जैसे देते जाएंगे फटाफट पकड़ो और आगे बढ़ो। बड़े इस तरफ आ जाओ, छोटे उस तरफ चल जाओ। अरे ठीक है कोई नहीं, प्लेट दूसरी को दे दो, प्लेट दे दो दूसरी को दे दो। दे दे मेरे को, दे दे, चल दे दे छोड़। तू गरम गरम खा, तू ठंड मार रहा है, फूल ले। नहीं बड़े बड़े ले लो। कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है इसमें। छोड़ो तुम जाओ, दो हाथ दो। कहाँ से? इसी से। इसी बातें कर रहे हो? ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी और यहाँ पे बिताया हुआ पल और भी खूबसूरत। काश हम और टाइम यहाँ पर बिता पाते, लेकिन हमें और भी एक्सप्लोर करना था, इसके लिए हमने इस जगह को कर दिया बाय बाय और चल पड़े और मस्ती मज़ा करने अगले डेस्टिनेशन की ओर।
हम थोड़ी ही दूर आए थे कि खूबसूरत नजारों ने हमारा रास्ता रोक लिया। इस खूबसूरत सी लोकेशन पे हमने बनाई कुछ रील्स जो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हो। रील्स बना के हम फिर चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यह है खंडी पॉइंट और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये पूरा फॉग से कवर्ड था और इसी फॉग के कारण ये जगह जन्नत से कम नहीं थी। हमने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मस्ती के मूड में आ गए थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एडवेंचर? कमेंट्स में हमको जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे आपको अगले हफ्ते एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज अ रियल वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।